मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र के एजेंडे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, इस दौरान क्या होने वाला है इसे लेकर कई अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस दौरान एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बिल ला सकती है। यह भी सामने आया है कि इस विशेष सत्र में ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही शून्यकाल रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है। सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र की एक विशेषता है कि 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता और G20 के सफल आयोजन के बाद यह सत्र आरंभ हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। सत्र की शुरुआत आज सोमवार यानी 18 सितंबर से हो चुकी है। इसका पहला दिन पुरानी संसद भवन में होगा और इसके बाद नई संसद भवन में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सांसदों से अपील है कि वो उमंग और उत्साह से इस सत्र में भाग लें।